बेदी हेयर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम आइसक्रीम स्टिक से स्नोमैन बनाने जा रहे हैं, क्रिसमस क्राफ्ट कर रहे हैं, उसमें आइसक्रीम स्टिक से स्नोमैन बनाने जा रहे हैं। करते हैं स्टार्ट। ये मैंने आइसक्रीम स्टिक ली है, इसको इस तरह से इकट्ठे रख के मैंने इस तरह से आधा इस तरह से ट्राइंगल में इस तरह से बनाया है, आधा मैंने ब्लैक करा है और थोड़ा ज़्यादा मैंने वाइट करा है। इस तरह से मैंने करके इसको पीछे से इस तरह से जोड़ दिया, क्योंकि इसके जोड़े बगैर ये कलर नहीं हो सकता था ठीक तरह से, तो ये मैंने कलर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से ये डंडी लगाऊंगी, स्टिक लगाऊंगी, जिसे मैंने ब्लैक कलर करा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाऊंगी, तो इसके ऊपर मैं इस तरह से ये डंडी फिट कर दूंगी, थोड़ी इधर और थोड़ी इधर निकली हो, इस तरह से मैं ये स्टिक फिट कर दूंगी इस तरह से। अब इसके साथ ही मैं थोड़ी सी जगह बनाते हुए यहाँ पर इसके साथ ही थोड़ी जगह बनाते हुए इस तरह से ये पेपर लगाऊंगी, रेड कलर का पेस्टल शीट से मैंने काट कर रखा है। इस तरह से इसको पीछे करते हुए दोनों की तरफ से पेस्टल शीट को चिपका देंगे इस तरह से, ये भी चिपका देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके इसकी आईज लगाएंगे, यहाँ पर हम इस तरह से सेंटर लेते हुए दो रिगली आईज चिपका देंगे, यहाँ पर फिक्स कर देंगे इस तरह से, देखिए। अब बीच में जगह बनाते हुए हम इसकी नोजी लगाएंगे, बीच में जगह बनाते हुए हम यहाँ पर इसकी नोजी लगाएंगे। ये मैंने नोजी इस तरह से मोड़ के बनाई है, इस तरह से मैंने चिपका दी, देखिए। अब मैं यहाँ पर जरा सा इस तरह से करते हुए स्माइली वाली शेप लेते हुए यहाँ पर इसकी माउथ लगाऊंगी इस तरह से, देखिए। और यहाँ पर हम यहाँ पर इसके हेड पर इस तरह से एक स्टार लगा देंगे, देखिए। ये हमारा स्नोमैन बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम हैंग करने के लिए, इसको हम हैंग करने के लिए यहाँ पर रिबन लगाएंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से ग्लू लगाई और ये रिबन मैंने रिबन का एक छोर यहाँ पर इस तरह से लगा दिया। इस तरह से मैंने दूसरी तरफ लगाना है, यहाँ पर मैंने ग्लू लगाई और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर दिया। तो आप देखें ये इस तरह से हमारा बन गया। तो आप भी इसी तरह से कुछ बनाएं, आइसक्रीम स्टिक से स्नोमैन बनाएं। गुड लक, गुड लक। ट्राई जरूर कीजिएगा इस तरह से बनाने की। ये थोड़ा गर्म है, नहीं तो देखिए इस तरह से हैंग हो जाएगा जी। गुड लक।